जो इस्लामाबाद की है वो सिर्फ एक ही शख्स के लिए, लाहौर हाईकोर्ट की सिर्फ एक शख्स के लिए, क्या सुप्रीम कोर्ट एक ही शख्स के लिए है, बाकी पाकिस्तान में कोई लोग नहीं है, बाकी लोगों के मसाइल या कोर्ट मुकदमात नहीं है, क्या पेंडेंसी आपके सामने नहीं है, क्या एक ही शख्स को मुलाकात के लिए आपने रोज जो है आपने किसी से जो जो आपने उनकी समाप्त करनी है, क्या एक ही शख्स को आपने जो है वो डंबल देने हैं, उसको आपने जो है वो ट्रेडमिल देनी है, उसको आप खाने में जो है भुना हुआ देसी मुर्गा और देसी जो है वो चिकन जो देसी घी में भुना हुआ वो जो है वो आपने देना है, मटन देना है, क्या आप आपके सिर्फ यही काम पे आपके रह गए हैं, आपके और काम कोई नहीं है, आपके कोई फराइज हैं, तनख्वाह तो लेते हैं ना टैक्स पेयर के, काम करें ना अपना, बाकी लोगों के मुकदमात भी सुने, जो सहूलत उसको दे रही है बाकी लोगों को भी फिर वो आप करें मुहैया करें। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, ये आप सवाल उठा रहे हैं तो ये आपकी तरफ से ही है, मेरा सिर्फ सवाल था, ये आप जो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं आप भी फैसल वाडा वाली लाइन पे ना आ जाइएगा प्लीज, हाथ हौला रखें जरा, पसंद नहीं आते इस किस्म के जो हाथ सवाल होने है। की बात नहीं है, हाथ होने की बात नहीं है, देखिए अच्छा बुला ले यार, मैं कह रहा हूँ बुला ले, बुलाए, देखिए अब इंसान सच बोलना भी छोड़ दे, आप सीधी बात करना भी जुर्म है क्या इस मुल्क में, क्या आप जो है वो इंसाफ और कानून के मुताबिक उनको काम करने का कहेंगे तो क्या ये तोहीन अदालत है, आपने हल्फ उठाया है आईन और कानून के मुताबिक फैसले करने के लिए, आपने ये हल्फ नहीं उठाया कि आपने एक शख्स को हर तरीके से सहूलत फराहम करनी है, मुझे बताएं पाकिस्तान की किसी एक जेल में कोई एक कैदी बता दे जिसको ट्रेडमिल मिली हुई हो, किसी कोई एक कैदी बता दे जिसको डंबल मिले हुए हो, कोई एक बता दे जिसके लिए नया वॉशरूम बना पाओ, कोई एक कैदी बता दे जिसको उसके बच्चों को ओवरसीज बात करने की इजाजत दी हुई हो, एक 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 कैदी बता दे पूरे मुल्क के अंदर मुझे, तो फिर अगर मैं सवाल उठाऊंगा तो क्या तोहीन अदालत है, तो मैं तो उठाऊंगा भाई ये सवाल मैंने उठाने हैं, आई डोंट रियली केयर ऑनेस्टली गॉड आई डोंट रियली केयर कि आप क्या कहते हैं, बात यह है कि मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि मैं इन बातों पर खामोश रहूं, मैं तो चाहता हूं कि जजेस की इज्जत हो, जजेस के पास क्या होता है जी मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुनिए, जजेस के पास कोई बंदूक नहीं होती, जजेस के पास कोई तोप नहीं होती, जजेस के पास होती है मॉरल अथॉरिटी, जजेस का काम यह है कि हर बंदा उसकी दिल से इज्जत करे और जो वो फैसला करे उसके ऊपर अमल दरामद हो, हुकूमत भी करे और हुकूमत ना करे तो मेरे जैसा शहरी उनके लिए आवाज के लिए खड़ा हो और हुकूमत को जो है वो कहे कि आप गलत कर रहे हो, मैं जजेस के साथ हूं, मैं जुडिशरी के साथ हूं, जजेस के पास मॉरल अथॉरिटी होती है, माजरत के साथ एक शख्स को सहूलत कारी फराहम करने के लिए आप अपनी मॉरल अथॉरिटी खो रहे हैं, मुझे तो डर उस वक्त का है कि ये फैसले करें और इनके फैसले पर कोई अमल दरामद ना हो, ये तोहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करें, इनके सामने कोई पेश ना हो, ये इस तरह के फैसले कर दें और इनके फैसले हवामी तहते रह जाएं, अमल दरामद ही ना हो, सजाएं नहीं सजाओं पर इंप्लीमेंट ना हो, ऐसा नहीं हो सर। कियानी साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ेगा, माजी में भी ऐसे जज जो है रिमार्क्स देते रहे हैं, वज़ीर आज़म को पता होना चाहिए कि अडयाला में जगह खाली है, ये मुनासिब है सर, अवाम के नुमाइंदे हैं, करोड़ों वोट लेकर आए और आप इस किस्म के रिमार्क्स दें, जजेस ऐसे रिमार्क्स दे सकते हैं सर? देखिए जी पहले तो जो एजेंसी से मुतल्लिक अब केसेस जो हैं इन छह जजेस को सुनने ही नहीं चाहिए जिन्होंने खत लिखा है, इनके ग्रीवियंस है ना, ये कहते हैं मुदाखलत कर रही है एजेंसियां, फिर आप उनके मुकदमात क्यों सुन रहे हैं, क्या आपको अखलाकी तौर पर सुनना चाहिए इन मुकदमात को, और अगर सुन भी रहे हैं तो फिर आप जो है वो आईन और कानून के अंदर रहे ना, वो जिस शख्स के लिए आप कह रहे हैं कि उसको बरामद किया जाए उसको प्रोड्यूस किया जाए, आपके पास क्या अश्योरेंस है कि वो बंदा एजेंसियों के पास है, आप ये कह सकते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को कि आप उसको रिकवरी के लिए जो है वो अपनी काबिशें तेज करें, आप डायरेक्शन दें, आप प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगे, आप अपनी मर्जी की कोई तहकाती टीम जो है वो तशकील दे दें, किसी अपने मर्जी के जिस पर आपको एतमाद हो उस ऑफिसर की सरबराई में, आप ये कर सकते हैं ना, इससे ज्यादा तो आपका मैंडेट नहीं है, और इससे ज्यादा जो आप बात करेंगे फिर आप अपने मैंडेट से अपने दायरे अख्तियार से तजावज करेंगे, फिर आपने रिमार्क देना कि जी सेक्टर कमांडर आईएसआई जो है वो जाती हैसियत में पेश हो, अच्छा कल अगर वो पेश ना हुआ तो फिर क्या करेंगे आप, सवाल है, मैं वो कह रहे हैं कि हम वो कह रहे हैं कि मेरा मतलब घर जाना पड़ेगा, इन लोगों को पेश नहीं होना चाहिए भाई, आपने खुद ही फर्ज कर दिया, अभी आपने पहले कह दिया जी कि सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद जो है वो इनकी अब्डक्शन के ऊपर है जो है वो शायद मुलव्वस है, भाई आपके पास क्या क्या सबूत क्या है, किस तरीके से आप इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंच चुकी हैं, आप खुद तहकीकात की है आपने, अगर तहकीकात की है तो फिर ठीक है बताएं कि क्या तहकीकात है, कुछ शवाहिद लेकर आए ना,
बस खाली रिमार्क्स की हद तक वो मामला ले जाते हैं और फिर इस तरीके से मामला शुरू कर देते हैं। हर इंसान की इज्जत नफ्स है, हर इंसान की इज्जत है। अगर आपकी इज्जत है तो हर शख्स की इज्जत है, तो आपको दूसरों की इज्जत का भी ख्याल करना चाहिए। किसी की इज्जत को उछालना मुनासिब नहीं है। वो एक नेशनल सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करने वाला आदमी है। उस शख्स की पता नहीं वो मुल्क के लिए क्या क्या खिदमात हैं, आपको क्या इल्म? आपने वो उनका रिकॉर्ड देखा हुआ है? और अगर देखा हुआ है और उसके बावजूद आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो फिर तो ताज्जुब है। पार्टी बन रही ना, जो जो आम कहा जा रहा है। सर आपने कहा कि एक जज जो है वो जा रहा है इस्तीफा दे देगा, वो कौन सा जज है सर? कोई बड़ा ना है? नहीं, हाई कोर्ट के 6 जजेस में से एक है और खत लिखने इतना वाला इतना तो जुम से चाह एक रहे है। थे 1 साल से। ये कोई इन हालात की वजह से नहीं है, वो अच्छा जाती निजी वजूहत की बिना के ऊपर वो मुअज्जज जज साहब इस्तीफा देने से मुतल्लिक सोच रहे थे। अपने दोस्तों से वो बता चुके हुए हैं, ये बात बड़ी कॉमन नॉलेज है। मैंने कोई बहुत स्टोरी बड़ी ब्रेक नहीं की, मैं तो इस खदशे का इजहार कर रहा हूं कि अगर वो मुअज्जज जज साहब जिनकी जाती वजह है वो अपना काम जारी नहीं रखना चाहते, अगर वो इस्तीफा देते हैं, मुस्ताफी होते हैं, तो उसको भी बैरूनी मुदाखलत के जुमरे में डालकर, उसके पढ़ने में डालकर, तो ये तासुर बनाने की कोशिश की जाएगी क्योंकि मुदाखलत की वजह से इस्तीफा दिया है। हालांकि हम उनकी पर्सनल वजूहत की बना पर जा रहे हैं और वो जज साहब के ऊपर भी उन्होंने आज तक कोई एक भी हाई प्रोफाइल केस नहीं सुना, एक भी कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं सुना, और ना ही इस वक्त तक कोई हाई प्रोफाइल केस पेंडिंग बिफोर हिम है इन हिज कोर्ट। तो ये ऐसी बातें हैं, मतलब यहाँ पर तो मैं खाली ये कह रहा हूँ ना कि ये मोजेस जजेस जो हैं ये जुडिशियल पॉलिटिक्स करते हैं, ये इनके अपने गेन्स, अपने जो बेनिफिट्स हैं, अपने कोई जो है ना वो चीजें उसमें मुफादात हैं, तो इसके ऊपर वो देख रहे हैं कि कौन बंदा चीफ जस्टिस बने, कौन चीफ जस्टिस ना रहे। असल में तो ये बाजार सारी मुझे साजिश दिखाई दे रही है, जिस तमाम के तमाम इकट्ठे 6 जज इकट्ठे हुए हैं मोजेस चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ। ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। अब ये चीज हमें भी नजर आती है, जब आपने एक ऑर्डर जो है वो लिखा, जब उन्होंने उसको साइन किया ही नहीं तो आपने उसको अपलोड कर दिया, यार इस तरह कब हुआ है? और फिर वो जानी बात है, जब जजमेंट लीक हो गई तो जजमेंट लीक होने के बाद उन मोजेस जज साहब ने बेंच तोड़ दिया और नया बेंच बना दिया। वो जो बेंच बनाया है टेरियन जेट वाइट वाला केस में, वो आज तक दोबारा उसने हियरिंग नहीं की, 1 साल होने को है। तो अब आपको किस चीज ने रोका हुआ है? अब तो आमिर फारूक साहब उस बेंच में नहीं है, करो समाप्त, क्यों नहीं कर रही उसकी समाप्त? तो सही यहाँ पर एक शख्स की प्यार में सहूलतकारी के लिए बहुत से जो है वो तड़पे जा रहे हैं ये लोग, तो इतना तड़पने की जरूरत नहीं है। खैर है, वो कोई बच्चा नहीं है, 70 साल प्लस उसकी उम्र है और जुर्म किए हैं तो सजा काट रहा है। अब सजा उसको किसने कहा था कि जुर्म करो, जुर्म किए हैं सजा काट रहा है, उसको बाहर निकाल कर क्या मिलेगा आपको? क्यों निकालना चाह रहे हैं? पड़ा रहने दें उसको वहां पर, सजा काटने दें उसकी। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा हसन साहब, मौजूदा हालात में क्या ऐसा तासुर नहीं मिल रहा कि दो बड़ी ताकतें, दो बड़े अदारे बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं? आमने सामने खड़े हो तो होने दे खड़ा उनको, ठीक है। ये अगर जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर को बंदा शोर बजाता है या आवाज अपनी रेस करता है तो गलत कौन कर रहा है जी? आप बताए ना मुझे, किस तरीके से दर्जनों के हिसाब से जमानतें दी जा रही हैं, किस तरीके से दर्जनों के हिसाब से उनके लिए जो है वो राह हमवार की जाती है, तो ये कोई ठीक तरीका तो नहीं है ना यार। आप जो है वो हाई प्रोफाइल केस सुनती हैं, क्या इस मुल्क में एक शख्स है जिसके मुकदमात आपने सुनने हैं? क्या हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद की है वो सिर्फ एक ही शख्स के लिए, लाहौर हाई कोर्ट की क्या सिर्फ एक शख्स के लिए है, क्या सुप्रीम कोर्ट एक ही शख्स के लिए है? बाकी पाकिस्तान में कोई लोग नहीं है, बाकी लोगों के मसाइल या कोर्ट मुकदमात नहीं है, क्या पेंडेंसी आपके सामने नहीं है? क्या एक ही शख्स को मुलाकात के लिए आपने रोज जो है अपने केसेस से जो जो आपने उनकी समाप्त करनी है, क्या एक ही शख्स को आपने जो है वो डंबल देने हैं, उसको आपने जो है वो ट्रेडमिल देनी है, उसको आप खाने में जो है भुना हुआ देसी मुर्गा और देसी जो है वो चिकन जो देसी घी में भुना हुआ वो जो है वो आपने देना है मटन देना है? क्या आपके सिर्फ सही, यही काम के आपके रह गए हैं? आपके और काम कोई नहीं है? आपके कोई फ्राइज हैं? तनख्वाह तो लेते हैं ना टैक्स पेयर के, काम करें ना अपना, बाकी लोगों के मुकदमात भी सुने, जो सहूलत उसको दे रही है बाकी लोगों को भी फिर वो आप करें मुहैया करें। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। ये आप सवाल उठा रहे हैं तो ये आपकी तरफ से ही है, मेरा सिर्फ सवाल था। ये आप जो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, आप भी फैसल वाडा वाली लाइन पे ना आ जाइएगा प्लीज। हाथ हौला रखें जरा, पसंद नहीं आते इस किस्म नहीं, के जो हाथ होने सवाल की हैं। बात नहीं है, हाथ होने की बात नहीं है। देखिए, अच्छा बुला ले यार, मैं कह रहा हूँ बुला ले, बुलाए। देखिए, अब इंसान सच बोलना भी छोड़ दे, आप सीधी बात करना भी जुर्म है क्या इस मुल्क में?
क्या आप जो है वो इंसाफ और कानून के मुताबिक उनको काम करने का कहेंगे तो क्या ये तोहीन अदालत है? आपने हल्फ उठाया है आईन और कानून के मुताबिक फैसले करने के लिए, आपने ये हल्फ नहीं उठाया कि आपने एक शख्स को हर तरीके से सहूलतकारी फराम करनी है। मुझे बताएं पाकिस्तान की किसी एक जेल में कोई एक कैदी बता दे जिसको ट्रेडमिल मिली हुई हो, किसी कोई एक कैदी बता दे जिसको डंबल मिले हुए हो, कोई एक बता दे जिसके लिए नया वॉशरूम बना पाओ, कोई एक कैदी बता दे जिसको उसके बच्चों को ओवरसीज बात करने की इजाजत दी हुई हो, एक 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 कैदी बता दे पूरे मुल्क के अंदर मुझे, तो फिर अगर मैं सवाल उठाऊंगा तो क्या तोहीन अदालत है? तो मैं तो उठाऊंगा भाई, ये सवाल मैंने उठाने हैं। आई डोंट रियली केयर, ऑनेस्टली गॉड आई डोंट रियली केयर कि आप क्या कहते हैं। बात ये है कि मेरा जमीर गवारा है, नहीं करता कि मैं इन बातों पर खामोश रहूं। मैं तो चाहता हूं कि जजेस की इज्जत हो। जजेस के पास क्या होता है जी, मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुनिए। जजेस के पास कोई बंदूक नहीं होती, जजेस के पास कोई तोप नहीं होती, जजेस के पास होती है मॉरल अथॉरिटी। जजेस का काम यह है कि हर बंदा उसकी दिल से इज्जत करे और जो वो फैसला करे उसके ऊपर अमल दरामद हो, हुकूमत भी करे और हुकूमत ना करे तो मेरे जैसा शहरी उनके लिए आवाज के लिए खड़ा हो और हुकूमत को जो है वो कहे कि आप गलत कर रहे हो। मैं जजेस के साथ हूं, मैं जुडिशरी के साथ हूं। जजेस के पास मॉरल अथॉरिटी होती है। माजरत के साथ, एक शख्स को सहूलतकारी फराम करने के लिए आप अपनी मॉरल अथॉरिटी खो रहे हैं। मुझे तो डर उस वक्त का है कि ये फैसले करें और इनके फैसले पर कोई अमल दरामद ना हो, ये तोहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करें, इनके सामने कोई पेश ना हो, ये इस तरह के फैसले कर दें और इनके फैसले हवा में तैरते रह जाएं, अमल दरामद ही ना हो, सजाएं नहीं सजाओं पर इंप्लीमेंट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि ये फैसले दें और इनके ऊपर अमल दरामद ना हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उस दिन से डरना चाहिए जिस दिन के बारे में आप इशारा कर रहे हैं। चले अच्छा, ये बाबर स्टार साहब ने इन कैमरा की समाप्त की दरखास्त को भी दबाव करार दिया गया, इससे क्या तासर मिलता है सर? देखिए जी, बात ये है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बड़े खुलकर आकर वजाहत कर दी है। उन्होंने कहा जी कि ये जिस तरह का रंग दिया, उन्होंने कहा था कि उन्होंने तो कहा था कि बड़े किसी सीनियर अफसर की तरफ से उनको जो है वो पैगाम दिया गया। उन्होंने कहा जी सीनियर अफसर तो कोई था ही नहीं, वो तो पैगाम मैंने दिया है। अब बात यह है कि अगर मुअज्जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने दुरुस्त हकायक बयान नहीं किए तो मैं तो ये कह रहा था कि आपको यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मैटर का, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी, एक मौका अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का है और एक मौका मुअज्जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब का है। अब दोनों का एक एक मौकफ है, दोनों में से कोई एक गलत है तो इसके लिए इट्स अ मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी और जजेस की से मुतल्लिक इंक्वायरी का एक ही यूनिक फोरम है जिसको कहते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, तो बेटर का नोटिस ले लें। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, कौन सच बोल रहा है सामने आना चाहिए। अगर बाबर सत्तार साहब सच बोल रहे हैं तो अटॉर्नी जनरल साहब को घर जाना चाहिए, और अगर अटॉर्नी जनरल साहब सच बोल रहे हैं तो बाबर सत्तार साहब को घर जाना चाहिए। मैं तो ये मेरा जो है पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें कौन सी गलत बात मैंने की है। बिल्कुल ठीक है, इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत मिल गई है, क्या आपकी राय है इस फैसले पर? केस कमजोर था, ट्रायल कंक्लूड होने वाला था, ये जमानत तो होनी होनी थी, इसमें मेरिट्स को टच नहीं किया। और आप ये देखें कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक कितनी कितनी घटिया जुबान उनके बारे में उन्होंने इस्तेमाल की है, कितने कितने जो है ना कहते हैं ना कि घटिया किस्म के मुगलजात ये बकते रहे उनसे मुतल्लिक, और वो इतना ऑनरेबल आदमी है, उसके बावजूद जहां पर इनकी जमानत बनती होती है, रिलीफ बनता होता है बानी चेयरमैन को, वो रिलीफ दे ही जा रहा है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि फारूक है जिस तरीके उन्होंने रिलीफ दिया तो वो चीज ऐसी थी कि ट्रायल कंक्लूड होने वाला है, और नैब के जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने भी कह दिया था कि जी आप डायरेक्शन दे दें एंड में, तो उन्होंने मैरिट्स को टच नहीं किया, उन्होंने जमानत दे दी। और उसके बावजूद बताऊं, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का बेरे डाउन केस है उससे वो असरअंदाज नहीं हुए, और उन्होंने मेरिट के ऊपर बगैर जो जो इशू बन चुका था ट्रायल कंक्लूड होने वाला है उसके ऊपर उन्होंने उनकी जमानत दे दी, तो रिलीफ और कितना इनको मिले। और आज भी उन जब उनके खिलाफ को फैसला कर देंगे तो वो जनाब बुरा हो जाएगा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, और मेरे ख्याल से वो ऑनरेबल आदमी, वो एक अच्छे आदमी, एक टेक्स्ट बुक जज हैं, और वो बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो केसेस को चल रहे हैं, और जितना प्रेशर उनके ऊपर ये बिल्ड करते हैं, जितनी उनसे उनसे मुतल्लिक घटिया गुफ्तगू ये लोग करते हैं, इसके बावजूद वो इनको रिलीफ देते हैं, तो उनकी जो है वो कदर की निगाह से देखना चाहिए, कदर की निगाह से। अच्छा सर, कहा जा रहा है कि इमरान